दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में तो आप लोगों ने पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं पे सुना होगा, लेकिन दोस्तों ऐसे में सवाल निकल के आता ना आपके दिमाग में परसेप्चुअल इंटेलिजेंस का, तो यार हो जाते होंगे अक्सर कंफ्यूज कि क्या होता है ये परसेप्चुअल इंटेलिजेंस और हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। तो दोस्तों आज अपनी वीडियो आखिर तक दिखती है, मैं आपसे आज बात करूंगा परसेप्चुअल इंटेलिजेंस के बारे में और दोस्तों हम जानेंगे कि आखिर ये क्या होती है और किस तरीके से काम करती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत और आप देख रहे हैं माइक्रो माइंड। चलिए शुरू करते हैं। यार दोस्तों मैं अगर आपसे यहां पर बात करूं सबसे पहले किसी भी टाइप की इंटेलिजेंस की, तो यार हम इंसानों के अंदर कई तरह की इंटेलिजेंस होती है जिसको हम लोग जो है वो यहां पर यूज करते हुए किसी भी चीज को यहां पर समझ सकते हैं, किसी भी चीज को समझ के उसको इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर मैं अगर बात करता हूं हम नॉर्मल इंसानों की, तो पूरी दुनिया में जो है वो लाखों करोड़ों इंसान प्रेजेंट है और दोस्तों ऐसे में वो करते हैं अपने दिमाग का यूज अपने पूरे दिन भर के कामों को कंप्लीट करने के लिए, जिसके अंदर आपके पास यहां पर ऑफिस वर्क आता है, फिर आपके पास यहां पर होमवर्क आता है, तो ऐसे में आपके पास जो दिमाग है वो दिमाग काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ये हम सभी लोग जानते हैं। अब दोस्तों यहां पर एक चीज हमारे को ये देखने को मिलती है कि हम जो है अपने दिमाग का यूज तो करते हैं लेकिन अक्सर जो है कुछ ऐसी गलतियां हम यहां पर कर लेते हैं जिसकी वजह से हमें यहां पर बाद में जो है वो प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। अब दोस्तों यहां पर जो परसेप्चुअल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस तरीके का है कि यहां पर सवाल आता है परसेप्शन का। अब परसेप्शन का मतलब यह है कि आपके सोचने की समझ, यानी कि आप जो है वो किस अंदाज में किसी सोच को सोचते हो, यानी कि किस तरीके से आप किसी चीज को देखते हो। मतलब मान लो कि अगर मैं आपसे यहां पर बात करता हूं कि दुनिया में जितने भी इंसान हैं, हो सकता है कि उन सारे इंसानों की जो इंटेलिजेंस है वो एक दूसरे से अलग अलग हो, किसी की हो सकता है एक दूसरे से ज्यादा हो और किसी की कम हो, लेकिन दोस्तों होगी डेफिनेटली, क्योंकि यहां पर इंटेलिजेंस जो है वो यहां पर एब्सेंट नहीं हो सकती। अगर वो बंदा डिसेबल भी है तब भी उसके पास इंटेलिजेंस जो है वो यहां पर प्रेजेंट होगी। अब दोस्तों क्योंकि हमारा दिमाग, में बता चुका हूं, काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, अलग अलग कामों को एकदम अलग अलग मैनर में और एकदम प्रिसाइसली कंप्लीट करना हमारे दिमाग को एकदम अच्छे तरीके से आता है और ऐसे में हम लोग इसकी मदद से सारे कामों को एकदम precisely और on time convenient तरीके से कर पाते हैं। अब दोस्तों यहां पर मैं अगर आपसे बात करता हूं इसी perceptual की, तो basically यार perceptual का मतलब होता है perception, यानी कि perception का मतलब ये है कि आप जो है यहां पर किस अंदाज से सोचते हो, किस अंदाज से चीजों को देखते हो, सामने चीजें हैं आपके प्रेजेंट, यानी कि आपके पास कोई टेक्नोलॉजीज होंगी या फिर आपके पास मान लो कोई कंपनी अगर आप चला रहे हो तो अपने बिजनेस के अंदर जो आपके पास यहां पर कंप्लीट जो बेसिकली सारे जो कंप्लीट आपके पास नोट्स आते हैं, जो भी आपके पास यहां पर रिपोर्ट्स आती है कंपनीज की, तो उन चीजों को आप कैसे देखते हो, आपका परसेप्शन लोगों के टुवर्ड्स कैसा है, किस तरीके से रिएक्ट करते हो, किस तरीके से एक्ट करते हो और सिचुएशन को कितने अच्छे तरीके से आप टैकल करते हो और कितने अच्छे तरीके से आप यहां पर उसको हैंडल करने की कैपेबिलिटीज अपने साथ में रखते हो। अब दोस्तों यहां पर इसी तरीके से हम लोग यहां पर अगर बात करें ना परसेप्चुअल इंटेलिजेंस की, तो वो भी कुछ इसी तरीके का होता है जिसके अंदर हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं परसेप्शन की, यानी कि परसेप्शन के अकॉर्डिंगली हमारा जो इंटेलिजेंस है उसको अगर मेजर किया जाए तो उस सिनेरियो को हम लोग यहां पर बोलेंगे परसेप्चुअल इंटेलिजेंस। अब दोस्तों यहां पर हमारा परसेप्शन, क्योंकि सब लोगों के टुवर्ड्स अलग होता है, अब मान लो कि आप जो है जितने लोगों से मिलोगे तो डेफिनेटली सारे लोग जो है वो एक दूसरे से अलग अलग होंगे और दोस्तों यहां पर अलग अलग होंगी उनकी सोच, तो ऐसे में आप जो है उन लोगों के साथ में, यानी कि जितने भी लोग हैं उन लोगों के साथ में आप उन्हीं के तरीके से उन्हीं के वे में मिलना पसंद करोगे। तो कॉन्सेप्ट जो है इस चीज का, इस परसेप्चुअल इंटेलिजेंस का, वो तो काफी ज्यादा कमाल का है और दोस्तों यहां पर अभी तक इसके ऊपर काफी ज्यादा बुक्स जो है वो लिखी गई और दोस्तों आने वाले टाइम में डेफिनेटली इस चीज को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना भी पॉसिबल होगा और डेफिनेटली हम लोग जो है इसको और अच्छे मैनर में कंप्लीट कर पाएंगे और इसके जो सारे जो सारे इसके पॉइंट्स हैं वो इंप्लीमेंट कर पाएंगे अपनी रियल लाइफ में। तो दोस्तों यही थी सारी कंप्लीट कहानी इसी परसेप्चुअल इंटेलिजेंस के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोज लेकर आता रहता हूं। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड।